बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अमजद अली और यही मेरी बेटी अलीज़ा और ये है यासीन। तो हम लोग जा रहे हैं, कहाँ पर है? हम लोग शक्कर पे अभी, तो शक्कर का बोर्ड नज़र आ रहा है। तो हम जा रहे हैं इस्लामाबाद टूर पे, तो देखते हैं। ये रोड है सारा, सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:30 अभी। जा रहे हैं हम लोग इस्लामाबाद थोड़े काम से, तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे सारा सिनेरियो। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इस्लामाबाद, पहले नहीं गया हूँ कहीं भी, तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे सारा सिनेरियो। ये गफूर साहब, ये हमारा गार्डनर है, गार्डनर हमारा आ गया भाई। वो हमारी बस है और बस रवाना होने जा रही है। बस की तरफ रवाना दवा जी। पहुँच गए हम लोग इस्लामाबाद। हो रहा यासीन खान, नहा धो लिया, फ्रेश हो गया सब। अभी हम जाएंगे इंशाल्लाह अपने काम से, तो काम हम निपटाएंगे, फिर आपको इस्लामाबाद भी दिखाएंगे। तो देखते सुकून की वैसी जगह है, आपको ये जगह दिखा देते। वैसे खामोशी बहुत है यहाँ पर, ये बात अच्छी। तो अभी जाएंगे हम फार्म पे, नहीं अब इंशाल्लाह खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद जाएंगे हम लोग फार्म पे, तो वो देखेंगे। फिर फैसल मस्जिद जाएंगे इंशाल्लाह, अगर उमरी का प्रोग्राम बना तो उमरी भी जाएंगे, यासीन भी जाएगा, यासीन को घुमाएंगे फिराएंगे। यासीन मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा सुकून की जगह है, टेंशन फ्री सुकून की जगह, चक्कर लगाएंगे। हाँ, फिर एक दो दिन है हमारे पास, तो काम तो हमारा हो गया, गए थे, हमारा काम इंशाल्लाह हो गया, तो जाएंगे देखेंगे आगे भी। खूबसूरत जगह है वैसे इस्लामाबाद, फर्स्ट टाइम आए हम लोग। इंशाल्लाह खाना पहुंच गया। ये गफूर साहब आ रहे हैं।
ये अमजद अली साहब आ गया, ये फार्म पे आ गए। फार्म पे आ गए भाई, ये ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए है। आ जाओ भाई, ये उस्ताद के रिश्तेदार है, यहाँ इस्लामाबाद में इन लोग का फार्म है, 280 जानवर है। अभी से ये चारों तरफ गायें दूध की, दूध देने वाली गायें, ऐसा है ऑस्ट्रेलियन है। माशाल्लाह से टोटल है यहाँ पे जानवर 280। हाँ, अभी बताया मैं कि यहाँ पे हमारे साथ 280 जानवर हैं माशाल्लाह से, सारे ऑस्ट्रेलियन हैं। पूरी बैठी हुई है माशाल्लाह, खूबसूरत। ये हमारे जा रहे हैं अमजद अली साहब, ये गफूर जा रहे हैं। अंदर भी कड़ी हुई है बहुत, और सामने जाल गेट जो बने हुए वहीं पे भी बच्चे हैं, जो बच्चे देते तो वहीं पे ही होते हैं, क्योंकि तो मौसम ठंडा है यहाँ पे, तो इस वजह से गर्म जगह है वो। ये जाल के उस साइड पे जो बैठी हुई है सारे बीमार है, ये जो बैठी हुई है इसका ट्रीटमेंट की जगह ये रहा, ये सारे बोतल पड़े हुए दवाई के यहाँ पे, इसके यहाँ पे लेकर आते इंजेक्शन जो लगाते बीमार होते हैं तो उसको यहीं पे लेकर आ जाते बीमार सारे उस साइड पे। ये जो है ना, ये दूध वाली है सारी, अंदर जो है वो सब गांव के बच्चे हैं वहीं पे, और ब्रीडिंग के लिए वो जगह बनाई हुई है। और अभी एक दूसरी गायें आगे पड़ी हुई है, वो भी अभी बच्चा देने वाली, इंशाल्लाह हम लोग यहीं पर ही होंगे, अभी बच्चा दे देंगे। ये सारे गाय माशाल्लाह, ये दिन में ना, एक दिन में 14 लीटर दूध देती है माशाल्लाह। 14 नहीं, 16 लीटर दूध पे, 54, हाँ 54 लीटर दूध देती है गाय माशाल्लाह से, माशाल्लाह अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। ये मशीनें लगी हुई है सारी, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इस वजह से ये मशीनें लगी हुई, ये पे पड़ा हुआ है। गाय यहाँ पे आके यहाँ पे बांध देते और ये मशीन लगा लेते हैं गाय को, तो पहले गाय को धो लेते, पानी से साफ कर देते, धो लेते, तो उसके बाद फिर मशीन लगा के दूध निकालते हैं। ये तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे ना दूध में हाथ लगता है, ना दूध गंदा होता है, डायरेक्ट पाइप के ज़रिए से अंदर चले जाते हैं और सारे टब भर जाते हैं दूध के, डिब्बे भर जाते हैं सारे, हाथ नहीं लगता, कुछ गंदगी नहीं होती अंदर आते दूध यहाँ पे जो आते हैं। इसमें शुगर में डायरेक्ट आ जाते हैं, ये मशीनें लगी होती हैं, मैंने टाइम पानी आता रहता है, क्योंकि साफ होते हैं ना पैप, इसी पैप में आते हैं। ये मशीनें लगी हुई है, टंकियाँ लगी हुई है, गांस का मशीन है। आप वो बोलते हैं नाम का पता नहीं है, लेकिन सारे बच्चे छोड़े माशाल्लाह, ये बच्चे एक दिन वाले, दो दिन वाले, चार दिन वाले, ये वही बच्चे सारे
उम्र के हिसाब से फिर एक एक पार्टीशन में आगे चले जाएंगे ना। यहाँ पे दूध वाले होते हैं, आगे काने वाले होते हैं, ये सारे माशाल्लाह खूबसूरत। मैं ये भाई साहब गांस लेके जा रहे हैं अंदर। ये डिजाइन है बच्चा जी, वो साफ हो रहा है, हो रहा माशाल्लाह भाई। अब हम लोग जा रहे हैं ये मिल्किंग प्रोसेस आपको दिखाने के लिए, मैं और यासीन। देखते हैं तो इस फार्म में मिल्किंग प्रोसेस कैसे होता है, तो आपको सारा दिखाते हैं। ये भी हम लोग आ गए, मिल्क स्टार्ट है। ये गेट बंद कर देते हैं तो फिर गाय बाहर से निकलती है, गेट लॉक हो गया। दूध के मशीन लग रहे हैं, दूध निकल रहा है। सर्विस ये लगाए सिस्टम, ये साफ दिए, सिस्टम क्लियर दिए, और जब ये दूध निकाल लेते तो उसके बाद ये इसको लगा देते इसकी कि कुछ जरासीम ना लगे और बीमारियां ना लगे, तो उस वजह से। और ये लगा रहे हैं तो दूध निकलने के बाद ये चली जाएंगे अपनी जगह पे बैठेगी, तो उसके बाद फिर जरासीम ना लगे गंदा। ये वही भाई है जो हमारे साथ दोपहर के टाइम खड़ा हुआ था वहीं पे। अभी ये सारी जा रही है और अभी आएगी इंशाल्लाह, अभी और आएगी आपको दिखाएंगे। ये माशाल्लाह ऐसे पानी लोगों के बातें करते हैं मेरे साथ, बातों से कहते हैं कि आओ और जाओ, ना कोई रस्सी होती है, ना कोई पट्टा होता है, कुछ भी नहीं होता। ये मशीन ये दूध जा रहा है पाइप में, चलो ऊपर चलते यासीन। भाई मैं भी फारिग हो गया, तो ये आए थे रिश्तेदार के फार्म हाउस पे, उसने विज़िट कराया हमें। माशाल्लाह बहुत बड़ा फार्म उन लोगों का। फारग नहीं था, शाम भी हो गई तो नज़र नहीं आ रहा है ये पूरा फार्म हाउस। तो यासीन ने आपको गाइड किया होगा इंशाल्लाह, मैं एडिट करके मैं वो चढ़ा दूँगा वीडियो पे। अभी चलेंगे वापस, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से दिखाना चाह रहा था। ये माशाल्लाह बहुत बड़ा फार्म हाउस है इसका। अभी अभी जाएंगे इंशाल्लाह, हो सकता है कल को मरी का प्रोग्राम बने, कल को
तो इंशाल्लाह अमेरिका विज़िट करेंगे आप। तभी जा रहे, बहुत देर हो गई है और यहाँ का माहौल भी गांव जैसा है, इस्लामाबाद का फिर भी गांव जैसा माहौल है। इंशाल्लाह फिर देखते हैं, अगर कल चक्कर लगा हमारा अमेरिका तो या फैसल मस्जिद का, तो फिर आप लोगों से वो वीडियो वगैरह शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।